प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट में 58 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक जोधपुर से 18, जयपुर से 14, अजमेर से 11, चित्तौड़ और कोटा से 7-7, राजसमंद में भी 1 पॉजिटिव मिला है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2642 हो गई है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 983 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें से 644 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। कुल मिलाकर आपको बता दें, प्रदेश में 1598 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 2600 का आंकड़ा पार कर चुका है। दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट में 58 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में 18, जयपुर में 14, अजमेर में 11, चित्तौड़ और कोटा में 7-7, तो वहीं राजसमंद में 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 2642 हो गई है। तो वहीं कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 61 हो चुका है। साथ ही प्रदेश में 983 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें से 644 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल मिलाकर 1598 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस प्रदेश में इस वक्त मौजूद है। दोपहर 2 बजे की लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, 58 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जोधपुर में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जोधपुर में मिले हैं। जोधपुर के बाद जयपुर में कोरोना पॉजिटिवों का संख्या में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। जयपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह। जी दयाल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो भी रिपोर्ट आ रही है, जोधपुर से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। मुख्य तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी हॉटस्पॉट जो कहा जा रहा है कोविड-19 का, वो जोधपुर बन चुका है। यहाँ से लगातार बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। लोगों की रिपोर्ट जिस तरह से जांच चल रही है वो भी तेजी से चल रही, युद्ध स्तर पर चल रही है। रोज के हजारों की संख्या में सैंपल भरे जा रहा है, जिसमें ऐसे पॉजिटिव हर रोज सामने आ रहे हैं। आज भी करीब 50 के लगभग मामले सामने आए, और कल भी इतने ही मामले सामने आए थे। और आज बताना चाहूंगा कि अभी की अपडेट है कि 8वीं मौत जो कोरोना पॉजिटिव की महिला की है, वो जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल में हो चुकी है। जी जी दयाल, जानना चाहेंगे कि जोधपुर में ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? क्या वहां पर ढिलाई बढ़ती जा रही है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं वहां पर? आखिर क्यों ये संख्या में इजाफा इस प्रकार से देखने को मिल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये संख्या लगातार जोधपुर में बढ़ रही है, चिंता का विषय है। किस प्रकार की तैयारियां वहां पर चल रही है? तौर पर बताना चाहूंगा, जोधपुर में लॉकडाउन की पालना तो पूर्णतः प्रशासन अपनी तरफ से करवा रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि संक्रमण जो पहले फैल चुका था उसी का एक नतीजा है कि ये लगातार जो जांच अब डोर टू डोर हर जो हॉटस्पॉट बन चुका है वहां से लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है जिससे सामने आ रहे हैं। साथ ही जो प्रशासन है, कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा चुका है, उसके बावजूद भी कई जगह पे जो है लोग सोशल डिस्टेंस को कायम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से पुलिस ने पुलिस मित्र बनाकर भी लोगों को सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। सवेरे से इधर उधर जगह जगह पे लोग बाहर नजर आ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी इसमें अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है ज्यादा सफल नहीं हो पाया, जिसके चलते अभी भी ये आंकड़े जो है पॉजिटिव के सामने आते जा रहे हैं। चलिए, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने जोधपुर को लेकर अपडेट दी। जोधपुर में लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, लगातार पॉजिटिव मामले सबसे ज्यादा जोधपुर के सामने आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज दिन में 9 बजे और 2 बजे की रिपोर्ट मिलाकर कुल 58 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो जोधपुर के 18, जयपुर के 14 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं अजमेर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिवों का सिलसिला जारी है, 11 पॉजिटिव अजमेर से सामने आए हैं। तो बात करें चित्तौड़ की, 7 पॉजिटिव चित्तौड़ से सामने आए हैं। वहीं राजसमंद से भी 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। कुल मिलाकर प्रदेश में 2642 केस हो चुके हैं।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए अजमेर से हमारे संवाददाता नितिन मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, क्या कुछ अपडेट है? लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं अजमेर में। आज भी सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट को मिला लिया जाए तो कुल 11 मरीज आज भी सामने आ चुके हैं पॉजिटिव। आसिफ, जैसे बता पा रहा हूँ मैं आपसे, इसमें चिंताजनक ये विषय है जी। इसमें दो गर्भवती महिला सामने आई है, ब्यावर से। तीन केस ब्यावर से है, बाकी 7 केस अजमेर से हैं जी। अभी उनका उपचार जारी है और उनको अभी जनरल अस्पताल में रेफर किया गया है जी। आसिफ, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, 161 कुल मरीज हो चुके हैं आपके अजमेर में। क्या कुछ, क्या सख्ताई से लॉकडाउन की पालना नहीं हो पा रही है? आखिर क्यों ये संख्या बढ़ती जा रही है? क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है वजह? उसका पूरा मामला ये दादा बाजार क्षेत्र मुस्लिम मौसम मौला है, जो बहुत ही कंजेशन एरिया है। वहाँ से मामला ज्यादातर बढ़ता जा रहा है, एक से कॉन्टेक्ट में, वहीं से ज्यादा कॉन्टेक्ट में फैला गया मामला जी। जी आसिफ, इसके अलावा किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन के द्वारा? जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उस इलाके में क्या कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? ये पहले 4 क्षेत्रों में था, 6 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है और बराबर राशन की सामग्री, दूध का उत्पादन बराबर, जो 24 क्षेत्र में जैसे 2 घंटे की भीड़ जाती है सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7, इसके बीच में धराधर इनकी सुविधा है, जो सब्जी है, दूध है, सब तो मुहैया कराई जा रही है पसंद की तरफ से। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नितिन मेहरा, हमारे अजमेर संवाददाता, जिन्होंने अजमेर को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी, किस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर जारी है। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 58 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। सुबह 9 बजे की रिपोर्ट और 2 बजे की रिपोर्ट को अगर जोड़ लिया जाए तो 58 कोरोना पॉजिटिव कुल सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर के केस आए हैं, जोधपुर से 18 कोरोना पॉजिटिव आज के दिन में मिले हैं, तो वहीं जयपुर से 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, अजमेर से 11, चित्तौड़ और कोटा से 7-7, तो वहीं राजसमंद में भी एक पॉजिटिव सामने आया है। राजस्थान में कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 2642 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 61 हो गया है। प्रदेश में अब तक 61 कोरोना पॉजिटिवों की जान जा चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए कोटा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजेंद्र भारद्वाज। जी राजेंद्र, लगातार कोटा से भी कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, आज की अगर बात करें तो 7 और कोरोना पॉजिटिव कोटा से आ चुके हैं सामने। बिल्कुल आशीष, अगर लगातार कोटा की बात की जाए तो कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में बुखर के आ रहा है कोटा जी। आज जो आंकड़ा है वो डबल सेंचुरी पार कर गया है और अब तक कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 204 हो चुका है। बिल्कुल, अगर थाना क्षेत्रों की बात करें तो 7 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर मां कर्फ्यू लगा हुआ है जी। कई ऐसे इलाके हैं जिनको जीरो मोबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक भी दिन ऐसा निकल रहा है जिस दिन कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता हो। दूसरी बात यह है कि आज यहाँ पर केंद्र की एक टीम आई है और केंद्र की टीम आकर उन सभी थाना क्षेत्रों का दौरा कर रही है। अभी उन्होंने संभागीय आयुक्त कार्यालय और कलेक्टर से बात की है, उसके बाद में सभी थाना क्षेत्रों में जाएगी और उनसे बात करेगी, उस इलाके का जायजा भी लेगी। जी आज जी बिल्कुल राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, 204 आपके टोटल पॉजिटिव केस आए हैं, इनमें से 109 रिकवर हो चुके हैं, 29 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 89 आपके एक्टिव केस वहां पर बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा महकमा है वो अलर्ट है और स्वास्थ्य लाभ लोगों को अच्छे से मिल पा रहा है। आशीष, ये सबसे अच्छी खबर है कोटा के लिए कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मगर लोगों की तबीयत में भी काफी सुधार हो रहा है और उनको आइसोलेशन सेंटर और वार्डों से निकाला जा रहा है। रिकवरी रेट काफी अच्छी देखी जा रही है कोटा से। एक दुखद खबर आशीष ये भी है कि लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिलना प्रशासन के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कोटा प्रशासन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये बात इसमें कोटा जिला प्रशासन और मेडिकल स्टाफ की तारीफ करना जरूर चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़ा घटता जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल के एक अथक प्रयास है, उन अथक प्रयासों के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आशीष से जहाँ पर कुछ राहत भरी खबरें मिल रही है तो वहाँ कुछ दुखद खबरें भी मिल रही है। हाड़ौती संभाग की बात करें तो हाड़ौती में बारा जिले में एक भी केस नहीं था, तो वो कोटा में जब एक लड़की जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, मगर बारा के भी भोरगढ़ थाना क्षेत्र वो
जीरो मोबिलिटी कर दिया गया है और बौरगढ़ कस्बे में जीरो मोबिलिटी लगाई गई है। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़े थे, हमारे कोटा संवाददाता, जिन्होंने कोटा को लेकर अपडेट दी। लगातार वहां पर पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, तो साथ ही रिकवरी रेट काफी अच्छी कोटा से निकल करके आ रही है, लोग स्वस्थ भी होते जा रहे हैं। और इस खबर पर चित्तौड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलमान मंसूरी। जी सलमान, लगातार चित्तौड़ का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, चित्तौड़ से भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है चित्तौड़ से? सलमान, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सलमान, लगातार चित्तौड़गढ़ में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ अपडेट है चित्तौड़गढ़ से? जी मैं आपको बता दूं कि निम्बाड़ा, हमारा चित्तौड़गढ़ जिले का जो निम्बाड़ा है वहां पर हॉटस्पॉट बन गया है जी। लगभग अभी 27 वहां कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कल इस मामले में एक डेथ भी हो चुकी है जी। जी सलमान, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, 26 आपके टोटल कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं चित्तौड़ में, लेकिन एक भी अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, एक भी मरीज स्वस्थ नहीं हो पाया है चित्तौड़ में। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये सिर्फ 24 और 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है जी, तो अभी इसको 4 या 5 दिन ही हो चुके हैं, इस मामले को ज्यादा नहीं हुआ है जी। इसके अलावा वहां भी महाकर्फ्यू लागू कर दिया है जी। किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है महाकर्फ्यू में, लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने किस प्रकार के इंतजाम किए हैं? देखिए प्रशासन ने बिल्कुल एक डोर वार्ड वाइज उन्होंने सब्जी विक्रेता हो गया और दूध के लिए है, इस तरह सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी है जी। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता सलमान मंसूरी, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की अपडेट दी, किस प्रकार से वहां पर पॉजिटिव केस आने के बाद महाकर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो साथ ही कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी प्रॉपर करवाई जा रही है।